नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज तीन के तारीखों की घोषणा की। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। पटना हाईकोर्ट में एएनएम नियुक्ति मामले में हुई सुनवाई। अनंत अंबानी के नाम से बिहार में ठगी। पंजाब किंग्स को आईपीएल के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दी मात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज तीन के तारीखों की घोषणा की। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज तीन के तारीखों की घोषणा कर दी है। दरअसल बीपीएससी ने वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर साल 2024 के परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दिया और इसमें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ है। मालूम हो कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, वहीं अब ये परीक्षा 10 से 12 जून के बीच आयोजित होगी। 40,000 से अधिक पदों के लिए निकली प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन जून में किया जाएगा। 13 जून को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की परीक्षा 14 जून को होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग चल रही है। नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद में जनता 38 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला कर रही है। मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लाइन में आधी आबादी यानी कि महिलाओं की संख्या बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग ने भी पल पल पर नजर बनाकर रखा है। इधर मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के बीच मतदाताओं का उत्साह चरम पर है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। न्यूज लिखे जाने तक बिहार में 30% तक वोटिंग हुई है। सरकारी और निजी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। बिहार में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसी बीच पटना में जिला प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। पटना के दंडाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह के 11:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के अनुसार पटना के डीएम का ये आदेश 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए प्रभावी होगा। पटना के कंट्रोल रूम से वोटिंग पर रखी जा रही नजर। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर मतदान जारी है। कुल 7,903 मतदान केंद्र का निर्माण किया गया है। ऐसे में पटना में कंट्रोल रूम बनाया गया है, इससे नजर रखी जा रही है। पल पल के चुनाव पर नजर रखने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा खुद नियंत्रण कक्ष के जरिए चुनाव की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। पटना हाईकोर्ट में एएनएम नियुक्ति मामले में हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में एएनएम नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सभी संबंधित पक्षों को सुना है और उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एएनएम नियुक्ति मामले में संबंधित कोई भी आदेश घोषित नहीं करने का मौखिक आदेश दिया था और पटना हाईकोर्ट पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि एएनएम नियुक्ति अंकों के आधार पर होगी। और इसके बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने कोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। लापरवाही के आरोप में एसपी ने सिपाही को किया सस्पेंड। नवादा में लापरवाही के आरोप में एसपी ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्तिक शर्मा ने जानकारी दी है कि एक राइफल जिसमें 20 राउंड गोली थी उसकी चोरी हो गई और इस सूचना के सत्यापन और एक्शन के लिए थानाध्यक्ष पकरी बरामा थाना घटनास्थल पर पहुंचे और अनुसंधान की शुरुआत की। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। एसपी ने जानकारी दी है कि नालंदा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पटना पुलिस ने 24 घंटे में 40 अपराधियों की गिरफ्तारी की। पटना पुलिस ने 24 घंटे में 40 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग थानों में पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में गंभीर अपराध में शामिल फरार 40 अपराधियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की गई और इसके साथ ही पटना पुलिस ने लगातार गाड़ियों की जांच की है। इसमें कई गाड़ियों का चालान कटा है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 1,76,000 रुपए का चालान जब्त किया।
पटना पुलिस मुख्यालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्टल, 35 जिंदा कारतूस, 274 लीटर विदेशी शराब, 185 लीटर देसी शराब और 3 राइफल, फोन को जब्त किया है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में हजारों लोगों ने वोटिंग का किया बहिष्कार। बिहार में लोकसभा चुनाव के 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, औरंगाबाद में भी मतदान जारी है। ऐसे में औरंगाबाद के गुरुआ विधानसभा इलाके के एक गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, साथ ही इन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी भी की है। यहां के लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से ही इनके गांव में अब तक रोड नहीं बनाया गया। 8,000 लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार करते हुए कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इनका कहना है कि चुनाव के खत्म होते ही वादे भूल जाते हैं, खटिया पर लाद कर मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ता है, इसलिए ना चाहते हुए हमने वोटिंग का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि लोगों के बहिष्कार के बाद डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी गौतम मेशराम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया है। पटना से पुणे, वलसाड और अहमदाबाद के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। पटना से पुणे, वलसाड, उधना, साबरमती और अहमदाबाद के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला लिया है। इससे लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी। पुणे दानापुर सुपरफास्ट स्पेशल का परिचालन 21, 25 और 29 अप्रैल को किया जाएगा। पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगी। वहीं वलसाड के लिए भी दानापुर से स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला लिया गया है। 28 जून तक के लिए उधना पटना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। 20 अप्रैल से 20 जून तक मुंबई कटिहार स्पेशल ट्रेन चलेगी। प्रत्येक शुक्रवार को राजकोट बरौनी ट्रेन का परिचालन होगा। आपको बता दें कि 24 अप्रैल से लेकर 28 जून तक बरौनी उधना स्पेशल का परिचालन होगा, जबकि पटना साबरमती स्पेशल का परिचालन 25 जून तक होगा। वहीं 30 जून तक प्रत्येक मंगलवार को अहमदाबाद पटना सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। अनंत अंबानी के नाम से बिहार में ठगी। अनंत अंबानी के नाम पर बिहार में ठगी का मामला सामने आया है। मालूम हो कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग दुनिया भर में चर्चाओं में बनी है। साइबर शातिर ने इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में ढूंढ निकाला और अनंत अंबानी के पुराने इंटरव्यू के कंटेंट को बदल दिया। नामचीन मीडिया हाउस का फर्जी वेबसाइट तैयार कर इस पर साइबर क्रिमिनल ने अपना नंबर डाल दिया। लोगों को चूना लगाने के लिए फर्जी नंबर से कॉल भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फर्जी वीडियो में अनंत अंबानी के द्वारा कहा जा रहा है कि आप मुझे 26,000 रुपए दीजिए और इसे 3 से 4 महीने में 1 मिलियन कर दूंगा। फर्जी वेबसाइट पर एंकर के द्वारा करोड़पति बनने के आसान तरीके के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है और केवल मुनाफा देखकर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नर्सिंग, फार्मेसी और कृषि में नामांकन के लिए करें आवेदन। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि BCECEB के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और कृषि आदि में नामांकन के लिए वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। 19 मई आवेदन की आखिरी तारीख है। इसके तहत राज्य के अलग अलग सरकारी संस्थानों में स्नातक स्तरीय और अन्य समान कोर्स में नामांकन करवाया जा सकता है। 13 और 14 जुलाई को परीक्षा का आयोजन होगा। जानकारी के अनुसार चालान के माध्यम से पेमेंट की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 23 से 25 मई तक सुधार किया जा सकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांका और भागलपुर में जनसभा। बिहार में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांका और भागलपुर में जनसभा निर्धारित है। सीएम नीतीश कुमार मधेपुरा में 4 दिनों तक रुकेंगे। यहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद वो अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। पहले दिन वो बांका के अमरपुर प्रखंड और भागलपुर के रगरा प्रखंड में सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही एनडीए के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। मालूम हो कि दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीट पूर्णिया, बांका, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में चुनाव होना है। एनडीए की ओर से इन 5 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार को उतारा गया है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर कही बड़ी बात। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं का अपमान करने के आरोपों के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राजद ने सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है। हमने पहली बार बिहार के किसी भी सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया। बिहार में सबसे अधिक महिलाओं को टिकट राजद ने दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर प्रदेश और देश के चहुमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। पहले चरण के चुनाव में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने की वोटिंग।
बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने पैतृक घर तारापुर पहुंचे। यहां पर अपने पिता पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के साथ मतदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचे। पूर्व मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय लखनपुर बूथ संख्या 73 पर मतदान किया। वहीं सम्राट चौधरी ने बूथ संख्या 74 पर मतदान किया है। गया संसदीय सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ई रिक्शा पर सवार होकर मतदान करने के लिए पहुंचे, ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बोधगया के मस्तीपुर में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। और इधर जमुई लोकसभा सीट पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र में तारापुर के जदयू विधायक राजीव कुमार सिंह ने मतदान किया। पंजाब किंग्स को आईपीएल के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दी मात। पंजाब किंग्स को आईपीएल के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस ने मात दी। मुंबई ने पंजाब की टीम को 9 रनों से हरा दिया। पंजाब किंग्स की मौजूदा सीजन में ये 5वीं हार हुई है। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम की ये सीजन की 3री जीत है। इस जीत से मुंबई की टीम को सीधा फायदा पहुंचा। आईपीएल 2024 के अंक तालिका में मुंबई इंडियंस की टीम 7वें स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं मालूम हो कि राजस्थान रॉयल्स 12 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है, जबकि दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। तीसरे स्थान पर सीएसके की टीम मौजूद है। आपके अनुसार आईपीएल 2024 में पंजाब की टीम की खराब प्रदर्शन का कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, ओमकार सिंह, रमन कुमार, सदुल्ला पालवी, नौशाद राजा, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, उमेश ऋषिदेव, राजेश मांझी, संघर्ष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है आपके अनुसार गर्मियों में स्कूल की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।